Which of the following figure shows the variation of magnetic field along the axis of a solenoid? देखिए सोलेनोइड के बारे में बोला गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सोलेनोइड एट ए पॉइंट इनसाइड, इनसाइड क्या होता है, अगर हम सोलेनोइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो वो होता है म्यू एन आई, ठीक है, ये होता है। और अगर एंड में निकालें, एंड साइड में सोलेनोइड का, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मान लेते हैं बी डैश है, तो वो इसका कितना होता है, इसका हाफ होता है, तो म्यू एन आई का हाफ होता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, देखिए ये जब हम इनसाइड निकालेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, और ये हमारा बी इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट लेट अस से आई, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा आ जाता है ना। और जैसे ही हम इसका क्या करेंगे, इधर एंड में चले जाएंगे, तो एंड साइड में जाएंगे तो सडनली ड्रॉप होके आधा हो जाता है, ठीक है, ये ड्रॉप होके आधा हो जाता है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे अगर मैं बी को प्लॉट करूँ और इस तरफ यहाँ पे ओरिजिन ओ है, और ये अगर मैं ये एक्सिस में बोलूंगा डिस्टेंस का है, तो हमारा हमारा ग्राफ जो है कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो देखिए ये ग्राफ कहाँ पे है, ग्राफ नंबर 1 ये शो कर रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, ठीक है।